इसमें कुछ नया है कि स्टार्टिंग इसका हम गांव से शुरू करते हैं, उसके बाद उसमें सरप्राइज है कुछ कि हम एक वेस्टर्न पैटर्न में लेके गए जो कि रिसोर्ट में पूरा शूट हुआ है। हम कभी भी एल्बम शूट करते हैं तो उसमें जो मेल लीड होते हैं फीमेल लीड होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग जगह से होते हैं, बट ये दोनों तो रियल कपल है तो हम लोग के लिए और आसान हो गया। बहुत कुछ देखे बार मिली और बहुत कुछ एक शादीशुदा लेडी मन पर भी बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है कि सरप्राइज कैसे लेना चाहिए। एल्बम थोड़ा अलग होते फिल्म से लेकिन मजा इसे काम करते। फरवरी महीना जो कि हरे प्यार के महीना, अब ये प्यार के महीने में छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में तो अब नया एल्बम आने वाले हैं, तो एक अलग ये बात ना जाने पर अभी हमारे साथ वो जो नया गाना वाले ओकर कलाकार हम बैठे हैं ओकर मुझसे सीधा बात करते हैं कि वो गाना के का नाम है और वो का स्टोरी है। तभी मेरे साथ रवि जी सीतल जी और सुमय बसई वाला जी बैठे हैं तो ओकर मुझसे सीधा बात करते हैं कि वो मेरे गाना वो एल्बम कैसे लगे। मैं सबसे पहले सुमय जी आप मन हमारे चैनल में स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन हमारे दर्शक मन गाना के बारे में बताओ जिसमें का स्टोरी है। हाँ, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम सुमित बसई वाला है और मैं इस गाने में मेरा काम जो था वो क्रिएटिव डायरेक्शन स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले का था। गाने का नाम है मोर जहूरिया है और इस गाने की स्टोरी ऐसी है कि एक शादीशुदा कपल है और उनकी शादी को एक साल ही हुआ है, उनकी पहली सालगिरह है और उसमें जो हमारी शीतल भाभी है वो मतलब ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं भैया से कि आज कुछ खास दिन है सालगिरह की तो कुछ स्पेशल करें भैया उनके लिए। तो इस पूरे एल्बम में मतलब भैया ने हर बार इनको सरप्राइज ही किया है और इन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी है कि एक मेरे पति हैं वो तो मैं उनसे एक्सपेक्टेशन रखूँगी कि वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या कुछ चीज़ें, तो कुछ कुछ चीज़ें सस्पेंस भी हैं। और जैसा कि हमने हमेशा से पूरा पैटर्न गांव का लेते हुए आया है हमारे पहले के वीडियोस में, तो इसमें कुछ नया है कि स्टार्टिंग इसका हम गांव से शुरू करते हैं, उसके बाद उसमें सरप्राइज है कुछ कि हम एक वेस्टर्न पैटर्न में लेके गए जो कि रिसोर्ट में पूरा शूट हुआ है और कैसे वो अपनी सालगिरह को मतलब मनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो हर बार कुछ सरप्राइज ही किया है रवि भैया ने भाभी को और बहुत अच्छा हुआ एक्सपीरियंस हमारा साथ में। मैंने दोनों के साथ मतलब फर्स्ट टाइम काम किया है, भैया तो फिल्मी कलाकार है भाभी भी और पहली बार इनके साथ हमने मतलब पहली बार एल्बम में काम किया हुआ है और बहुत अच्छे कलाकार हैं दोनों, बहुत मज़ा आया शूट करते वक्त। और सबसे अच्छी बात कि हम कभी भी एल्बम शूट करते हैं तो उसमें जो मेल लीड होते हैं फीमेल लीड होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग जगह से होते हैं, बट ये दोनों तो रियल कपल है तो हम लोग के लिए और आसान हो गया मतलब काम करना इसमें, क्योंकि दोनों इतने कंफर्टेबल थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, फीलिंग को समझ रहे थे, तो हम लोगों के लिए बहुत आसान हो गया, तो ये बहुत अच्छा रहा। आप उनके एक्सपीरियंस कैसे से एल्बम पर? सबसे पहले तो जय जोहार आप सब संगवारी मल्ला और हमारे ये नया वीडियो एल्बम आने वाला है जहूरिया री, एक बारे में मोर एक्सपीरियंस एक बारे में हमारे मन के एक्सपीरियंस ऐसे ही से कि मतलब हम तो काम बहुत सारा करें छत्तीसगढ़ी में, बहुत सारी फिल्म भी कर रहे हैं लेकिन ये बहुत साल के बाद फिर से दोनों साथ आ गए काम करके, तो मतलब चलो क्यों ना एक एल्बम बनाया जाए करके। और ये एल्बम में आप मतलब बहुत कुछ देखे बार मिली और बहुत कुछ एक शादीशुदा लेडी मन पर भी बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है कि सरप्राइज कैसे लेना चाहिए नाराज होके, तो वो देखो कलाकार फिल्म हो एल्बम हो कर से कोई फर्क नहीं पड़े, हम अल्लाह काम करे से मतलब ही थे, हम वो चीज़ अच्छा लगी लगी से मतलब काम करके। एल्बम थोड़ा अलग होते फिल्म से लेकिन मज़ा इसे काम करके। सुमित भाई के काम बहुत अच्छा है, पुष्कर भाई के बहुत काम अच्छा है, तुषार भाई के काम बहुत अच्छा है, क्या है कोई भी एक अच्छा चीज़ पर एक टीम वर्क रही थी, वो टीम वर्क हमें लगे फिल्म मिले से। सबसे पहली गाना बहुत अच्छा मिले से, गाना अच्छा मिले से तो सुमित भाई के काम अच्छा किए से, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार करे से और वो चीज़ ला बहुत अच्छा से पुष्कर भाई है, अपन डीओपी है हमारे पुष्कर भाई और फिल्माई से, तो हर चीज़ अच्छा हुई। उसके बाद जो आउटपुट निकले तो बहुत प्यारा आउटपुट निकले। अच्छा, ये एल्बम हमारे 3 तारीख को रिलीज होने वाला है 3 फरवरी को पीटीएफ स्टूडियो में, जिसमें बहुत सारा हिट गाना आप मन देख चुके हो, तो ये अब मतलब बहुत जल्दी 3 तारीख को देखने मिल जाएगी। और एक टीजर है आज शाम को 5 बजे रिलीज होते हैं तो आप लोग टीजर आज देखने मिल जाएगी, बाकी गाना 3 तारीख को। तो सबसे पहले तो आप मन हमारे दर्शक मतलब बता दो कि
संगवारी हो आप मन घलो है प्यार के महीना में अतक प्यारा प्यारा सुंदर गाना सुने बर देखे रहो। 3 तारीख को जरूर सुनो जरूरी है।